जम्मू कश्मीर की इस भूमि पर रामबन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। भाइयों बहनों, पहले सर्वाधार चामुंडा माता, गलाधार मंदिर और रघुनाथ मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हमारे दो महान शहीद श्री विभीषण जी और साधुराम जी को भी मन पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं, ठाकुर साहब भी है और मोहम्मद सलीम जी भी है, और आने वाले चुनाव में आपको फैसला करना है कि हमें किसके साथ जाना है। दो ताकतों के बीच में चुनाव है। एक ये लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए 35-35 साल तक जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जलता रहा। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। मैं आज फारूक साहब और राहुल गांधी दोनों को पूछना चाहता हूं, इतने साल तक जम्मू कश्मीर आतंकी आग में जला, आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? भाइयों बहनों, वो नहीं लेंगे, मुझे मालूम। इसलिए हमने तय किया है कि चुनाव के बाद 40,000 लोगों का जान लेने वाली आतंकवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी एक व्हाइट पेपर लाकर इनकी जिम्मेदारी तय करेगी, इनकी जिम्मेदारी तय करेगी। और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आप देखिए, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया, क्या एजेंडा है? वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा लाने का काम करेगी। रामबन वालों, मुझे बताओ, दूसरा झंडा चाहिए क्या आपको? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, कितना भी जोर लगा दो, जम्मू कश्मीर में अब एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्यारा तिरंगा रहेगा। ये लोग धारा 370 और 35A वापिस लाना चाहते हैं, आप इससे सहमत हो क्या? मैं आज रामबन की भूमि से घाटी के भाइयों को भी, विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भी, बहनों को भी पूछना चाहता, क्या दिया थे 370 और 35 में? गरीबी, भूखमरी, ठंड, बेरोजगारी, गुर्बत और आतंकवाद, ये सारे जो 370 के बेनिफिशियरी है वो घाटी का या यहां का ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ना सिख है, इसके बेनिफिशियरी ये तीन परिवार ही है, तीन परिवार ही है, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। भाइयों बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूं, 370 लाकर 70 साल तक राज किया, लागू किया, रामबन वालों, आपको 5 किलो अनाज फ्री में मिलता था क्या पहले? जोर से बोलो, मिलता था क्या? 370 हटी, 5 किलो अनाज मिला, कमल के निशान पर मोहर लगाइए, 5 की जगह 10 किलो चावल प्रति माह मिलना शुरू हो जाए। रामबन वालों, मुझे बताओ कि कभी भी 370
70 साल रही, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हुआ था क्या? अरे जोर से बोलो, हुआ था क्या? अब ये 370 वापिस लाना चाहते हैं। मैं बताता हूं, रोक लो, 5 लाख की जगह मोदी जी ने 7 लाख और बूढ़े व्यक्तियों का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में करने का काम। भाइयों बहनों मुझे बताओ, जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स, 2 IIM, फैशन डिजाइन की स्कूल, 9 मेडिकल कॉलेज, कई सारी कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटी, इतना सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और 24 घंटा बिजली कभी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती थी क्या? ये लोग 370 लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकी वाद आग में झोंकना चाहते हैं। भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करें। मैं आज स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी स्थिति में जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। वो LOC का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, जिस LOC के ट्रेड से यहां पर आतंकवाद का पोषण हुआ, वो शुरू करना चाहते हैं। मैं बताता हूं, उमर अब्दुल्ला, कितने भी साल मेहनत कर लो, जब तक आतंकवाद को पाताल तक दफन नहीं करेंगे, ट्रेड चालू नहीं होगा, आप ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, आतंकवादी घटनाओं में, पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को वो छोड़ना चाहते हैं, नौकरियां देना चाहते हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, जो हाथ में लैपटॉप और तिरंगा लेकर आएगा, इसके लिए मोदी जी ने नौकरी की व्यवस्था की है, और जिसके हाथ में बंदूक होगी, इसके लिए जेल की सलाखें भी तैयार रखी। भाइयों बहनों, वो हमने गुर्जर बकरवाल को, पहाड़ियों को, दलितों को आरक्षण दिया, माताओं बहनों को इसका अधिकार दिया, ये कहते हैं ये आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों, फिर से एक बार ये भ्रष्टाचार की आग में युवाओं को झोंकना चाहते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये विभाजनकारी प्रवृत्तियां अब हम नहीं चलने देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मैं आज यहां से फारूक साहब को पूछना चाहता हूं, फारूक साहब, शेख अब्दुल्ला के समय से आप कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, आपके बेटे उमर साहब भी रहे, आप भी रहे, आतंकवाद होता था तब आप कहां होते थे? भाइयों बहनों, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था, अब्दुल्ला परिवार लंदन में मौज मस्ती कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। मुझे बताओ, ये लोगों को अधिकार है जम्मू कश्मीर के वोट प्राप्त करने का, जो आतंक की आग में झोंक कर चले गए, यहां के युवाओं के हाथ में तो बंदूकें और हथियार पकड़ाई, अपने बच्चों को लंदन और दुबई में पढ़ा लिखा कर तैयार किया, क्योंकि सत्ता का सुख भोग सके, मगर अब नहीं होगा। अब पंचायती राज मोदी जी लेकर आए हैं, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, 30,000 युवाओं को चुने हुए प्रतिनिधि बनने का मौका हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, इस सूत्र के आधार पर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, अमित भाई रामबन में पहली बार आए हैं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मुरली मनोहर जोशी जब यात्रा लेकर आए तब मैं 2 दिन तक रामबन में रहा हूं, कोई कैंप के अंदर।
लाल चौक पर झंडा फहराने मुरली मनोहर जी आए तब मैं अहमदाबाद शहर का महामंत्री था और दो दिन हमें यहाँ रोक लिया गया था और फिर अलग अलग रास्ते से वहां पहुंचने का प्रयास किया, पकड़े गए थे। मगर रामबन ने सर्वाधार हिंसा, कुंडा और कलीमस्ता की हिंसा, ये सारी घटनाएं देखी हैं। आज मैं आपको आगाह करने आया हूं भाइयों बहनों, फिर से एक बार आतंकवाद का एजेंडा लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आए हैं और हमें कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बेइज्जती करेगा हम उसकी जान ले लेंगे। अरे उमर साहब, किसको डराते हो भाई? भाजपा वाले आपकी धमकियों से नहीं डरते हैं, हम हमेशा देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आपने कत्ल तो किया जम्मू कश्मीर के विकास का, आपने कत्ल किया जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का, आपने कत्ल किया मेरे पहाड़ी बकरवाल और गुर्जर भाइयों का, आरक्षण छीनकर, माताओं बहनों का आरक्षण छीनकर उनके भविष्य का कत्ल किया था। अभी अभी कांग्रेस के बड़े नेता गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उन्होंने शिंदे साहब ने बयान दिया, गृह मंत्री वो थे तब उनको लाल चौक में जाने में डर लगता था। पढ़ा है आप लोगों ने, शिंदे साहब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लाल चौक जाने में उनको डर लगता था। अरे शिंदे साहब अब आ जाइए, बच्चों के साथ पोते पोती के साथ लाल चौक शेयर कर लीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर। हमने कश्मीर को सुरक्षित किया है। आज कश्मीर में राहुल बाबा बाइक चलाते, बाइक चलाकर मोदी जी को गाली देते हैं, लाल चौक में आइसक्रीम खाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है वो देखकर मोदी जी को गाली देते हैं, और राहुल बाबा और बहन जी प्रियंका जी बर्फ से एक दूसरे के साथ बर्फबारी खेलते हैं। राहुल बाबा, गाली तो आप मोदी जी को दे रहे हो मगर आपके जमाने में संभव नहीं था, नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पाताल तक दफना देने का काम किया है। आज आप पैदल यात्रा लेकर वहां तक पहुंचे, इसका कारण केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अरे हम तिरंगा लेकर निकले थे, मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी, हमें रोक लिया गया, रामबन में ही रोका गया और हेलीकॉप्टर में जाकर तिरंगा फहराना पड़ा। आज वहां पर गणेश उत्सव भी होता है, जन्माष्टमी भी होता है और ताजिया का जुलूस भी निकलता है, कोई दंगा नहीं होता है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आपकी जो नीयत है फिर से आतंकवाद लाने की, उसको हम नहीं होने देंगे। अभी अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाइयों बहनों बताओ, भारत के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट पर हमला करने वालों लोगों को फांसी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उमर अब्दुल्ला, वोट बैंक की राजनीति बंद करो, आप आग के साथ खेल रहे हो, आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि हमने पहाड़ियों को, गुर्जरों को, दलितों को, बहनों को आरक्षण देने का काम किया, हमने आरक्षण दिया भी और उनका सम्मान भी किया है। आज मैं यहां रामबन में आया हूं, उस वक्त आप सभी को कहना चाहता हूं कि रामबन के विकास के लिए ये 10 साल में हमने ढेर सारा काम किया है। 10 साल में चेनानी नासरी टनल, बनिहाल कांजीगुट टनल का निर्माण हुआ, रामबन फ्लाईओवर और राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेनिंग से रामबन के युवाओं का आर्थिक विकास हो रहा है, संगलदान में
रेलवे स्टेशन बनाने की शुरुआत की, कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी संगलदान से शुरू हुई, रामबन से मैत्रा पुल और रामबन ने नए बस स्टैंड का निर्माण किया, अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया, 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाए, सुलई सहत को जीआई टैग दिया, सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा है जिससे 1850 मेगावाट बिजली हमारे जम्मू कश्मीर को मिलेगी। भैया इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई, मोदी जी ने तय किया है कि आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिता दो, कमल के निशान पर बटन दबाओ तो हम 18,000 रुपये का चेक भेजने का काम करेंगे। हर बहन को रक्षाबंधन और दीपावली में 2 सिलेंडर देंगे। किसानों को 6,000 की जगह अब 10,000 मिलेगा। चावल 5 किलो की जगह 10 किलो मिलेगा। बिजली दर किसानों का 50% काटा जाएगा। जम्मू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होगा। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो बनेगी। हर साल विध्वंस हुए 100 मंदिरों का हम जीर्णोद्धार करेंगे। तभी रिवर फ्रंट बनाएंगे। रणजीत सागर डैम में झील विकास पर्यटन करेंगे और कश्मीरी पंडितों को फिर से पुनर्वसन की नई योजना भी पंडित प्रेम नाथ डोगरा के नाम से हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 सालाना स्टाइपेंड देने का काम करेंगे और प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नए रोजगार पैदा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आज रामबन में आया हूं, आप सभी को अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के साथ लड़ी। आप पूरे जम्मू कश्मीर के मतदाता, वेली के भी मतदाता, घाटी के भी मतदाता, ये 3 परिवारों का समर्थन इसलिए न करिएगा, इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है, इन्होंने आतंकवाद का पोषण करने का काम किया है और इन्होंने जम्मू कश्मीर को अविकसित रखने का भी काम किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भाई, मोदी जी को दिल्ली में सुनाई पड़ना चाहिए। जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा को विजयी बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, मुट्ठी पीछे माताएं बहनें भी उठाए हाथ जरा, जा हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बोलो भारत माता की।